हरदोई डिस्ट्रिक्ट के विकास खंड सांडी के अंतर्गत आने वाले वेथर गांव में अब हम पूर्व दिशा में खड़े हैं। यहां गांव के चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। यहां की जनता त्राहे त्राहे कर रही है और प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करते हैं तो अभी तक यहां सिर्फ SDM साहब आए हैं, वो भी पश्चिम दिशा के कुछ लोगों से मुलाकात करके वापस चले गए। अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता त्राहे त्राहे कर रही है। पानी घरों में घुसने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से घरों में घुस चुका है। आइए बात करते हैं किस तरीके से जीवन यापन चल रहा है। क्या नाम है भैया? विजेंद्र सिंह राजपूत। ब्रजेंद्र सिंह जी, बाढ़ का पानी पूरी तरीके से आप लोगों के घरों में आ गया, आगे पीछे थोड़ी बताएंगे। यहाँ न तो कोई अधिकारी आता है, लेखपाल के अलावा यहाँ कोई भी नहीं आया। लेखपाल आया था? हाँ, लेखपाल आए थे कल। क्या बोल गए? बोल बताए कि यहाँ कोई मुझे सूचना नहीं मिली है कि नदी कब घटेगी कब नहीं। हम लोगों ने पूछा तो और कुछ भी नहीं यहाँ बताया। अच्छा, जैसा कि हम लोगों देख भी रहे हैं और गांव वालों के घर साहब बाबू जी मिले बुलाया सरकार पूरे घर के घर पूरे डाले सब पानी था। हाँ, हमारा नथू है, नथू है नाम हमारा। ये आप देख रहे हैं, ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं और ये पूरा घर डूब चुका है। आपको दिखाने का हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये घर डूब चुका है और ये जरूरत से ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ की जनता त्राहे त्राहे कर रही है। कुल मिला के समझ त्राहे त्राहे क्यों ना करे, समस्या है जीवन यापन की। घरों के पास SDM साहब आए, न विधायक जी आए, कोई भी सरकारी कर्मचारी लेखपाल के अलावा नहीं आया। अच्छा, फसलों क्या पोजीशन? फसलों की पोजीशन क्या, सब चल, सब फसल चली गई। हाँ, सरसों और जो है आलू गड़े थे वो भी चले गए। धान की क्या? हाँ, धान की भी फसल चली गई। आप देख रहे हैं काफी जो है मात्रा में बुड़ चुकी, नदी किनारे धार लग रही है तो वो चली गई। क्या हर साल यही पोजीशन हो जाती है? हर साल जब बाढ़ आती है तो चली जाती है फसल। कब कब बाढ़ आई थी? कब बाढ़ आई थी? 2010 में 9 में ऐसे बाढ़ आई थी, मतलब 10-11 साल बाद। हाँ हाँ, मतलब लाइन पे आई गाड़ी। हाँ, तो फिर बाढ़ अपना कहर बर्बाद देती है और अस्त व्यस्त करके चली जाती है। घरों को काट दिया था, एक घर सब बर्बाद हो गए। कच्चे मकान कितने परसेंट होंगे अपने यहाँ? कच्चे मकान सब मेहनत करके थोड़ा बहुत बनवा लिए।